अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ZTPL ऑफ़िसर ग्रेड 3 की या मोबाइल ग्रेड ऑफ़िसर की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, इस इनकी तैयारी के सिलसिले में मैंने एक पोर्शन जो इसका कवर किया है बैंकिंग से रिलेटेड या जॉब रिलेटेड जो पोर्शन है, तो मैं चाहता हूँ आपसे वो सोर्सेज डिस्कस कर लूँ जहाँ से आप इनको रीड कर सकते हैं, डाटा मज़ीद अपने नॉलेज को रिवाइज़ कर सकते हैं, मज़ीद ZTPL के बारे में आप जान सकते हैं और MCQs की प्रिपरेशन जो है वो मज़ीद आप कर सकते हैं रीड करने के बाद। तो यह है कि अगर हम इसके ZTPL की ओवरऑल जिस तरह हमने इसकी ZTPL की वर्किंग के बारे में देखा है, ये मोबाइल क्रिएट ऑफिसर्स की वर्किंग के बारे में देखा है, या आप कह सकते हैं कि ZTPL की जो फंक्शनिंग है, ZTPL का जो रोल है, इसकी स्कीम्स वगैरह, इसकी डिपॉजिट स्कीम वगैरह, इसकी ओवरऑल फंक्शनिंग जो है वो आप कहाँ से कर सकते हैं, या आप इसके जो बैंकिंग है, इसके जो आपने टर्मिनोलॉजीज देखी हैं इसमें, जो मैंने एक लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था, उनके तमाम MCQs आपको कहाँ से मिल सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर लोन्स के बारे में या डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में या ZTPL की ओवरव्यू के बारे में आपको कहाँ से डाटा मिल सकता है, वो आप ZTPL की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो सर्च करेंगे गूगल पर, तो ZTPL की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। वो वेबसाइट जो है आप थॉरली अगर रीड कर लेते हैं और अबाउट के अंदर जाते हैं, अबाउट ZTPL में, तो अबाउट ZTPL में जाने के बाद आप जाएंगे उसके अंदर देखेंगे कि तमाम जो ZTPL के बारे में इंफॉर्मेशन है वहाँ पर दी हुई है। अगर ZTPL की हिस्ट्री अगर आपने देखनी है तो वो ओवरव्यू के अंदर ZTPL की कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद है कि ZTPL कब बना था, इसकी स्कीम क्या है, इसकी जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन जो की गई थी वो कब की गई थी, मुकम्मल जो ZTPL की हिस्ट्री है वो अबाउट के अंदर आपको मिल जाएगी। मज़ीद ये कि अगर आप इसके लोन्स के बारे में जानना चाहें तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एग्रीकल्चर लोन के हवाले से, तो एग्रीकल्चर लोन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो मज़ीद आपको जो है वो दो तरह के लोन वहाँ पर नज़र आएंगे। एक तो डेवलपमेंट लोन, उनकी कंप्लीट लिस्ट होगी कि ZTPL डेवलपमेंट लोन जो है वो कौन कौन से ऑफ़र कर रहा है फार्मर्स को, और साथ में जो है प्रोडक्शन लोन्स की भी जो है वो लिस्ट आ जाएगी, जिसमें KKS जो स्कीम इन्होंने शुरू की है, किसान खुशहाल स्कीम, आजकल प्रीवेलिंग स्कीम वही है। तो ये है कि सबसे पहले डेवलपमेंट और प्रोडक्शन लोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो डेवलपमेंट लोन जो है वो एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड लोन होता है, और ये 5 साल के लिए भी हो सकता है, इससे ज़्यादा अरसे के लिए भी हो सकता है, जबकि जो प्रोडक्शन लोन होता है वो फसल के हिसाब से होता है, क्रॉप के लिहाज से होता है, जैसी क्रॉप जो है वो कम्प्लीट होती है तो उसका जो ओवरऑल वो इंस्टॉलमेंट नहीं होती, वो कम्प्लीट पे करना होता है और उसके बाद जो है उसको दोबारा से भी लोन किसी और फसल के लिए लिया जा सकता है। तो ये कि दोनों में डिफरेंस ये है कि डेवलपमेंट लोन इंस्टॉलमेंट बेस्ड होते हैं और इनकी जो मियाद है कर्ज़े की वो 1 साल से ज़्यादा होती है, जबकि प्रोडक्शन लोन जो होते हैं वो 1 साल या 6 महीने के लोन होते हैं और वो जो है एक साथ पे किया जाता है, जितना भी लोन लिया जाता है वो फसल क्रॉप जैसी कम्प्लीट होती है उसकी कटाई के बाद तो वो लोन पे किया जाता है। तो इन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन लोन्स की जो टोटल लिस्ट है वो जो ऑफ़र कर रहा है ZTPL, वो कंप्लीट लिस्ट आपको ZTPL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नज़र आ जाएगी एग्रीकल्चर लोन्स के अंदर। दूसरी चीज़ वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो आपने रीड करनी है वो रिटेल बैंकिंग के हवाले से, तो रिटेल बैंकिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें डिपॉजिट स्कीम्स आ जाएंगी आपकी सारी, कि ZTPL कौन कौन से डिपॉजिट स्कीम, कौन कौन से अकाउंट जो है वो ओपन कराने की फैसिलिटी दे रहा है, जिसमें जूनियर अकाउंट भी मौजूद है, उसमें सेविंग अकाउंट भी है, उसमें करंट अकाउंट भी है, तो ये तमाम जो है वो अकाउंट्स की जो डिटेल है उन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट्स की डिटेल भी सामने आ जाएगी कि किस अकाउंट के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें तो इसमें डिजिटल बैंकिंग का भी ऑप्शन है कि इसी के अंदर डिजिटल बैंकिंग जो है उसमें जाहिर सी बात है मोबाइल ऐप जो है ZTPL ने वो लॉन्च की है, तो वह उसके लिए आप वहाँ से डिटेल ले सकते हैं कि मोबाइल ऐप जो ZTPL की वो किस तरह आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ATMs वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है, साथ में जो है व्हाट्सएप बैंकिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें डिजिटलाइज जो बैंकिंग हो रही है आजकल उसके बारे में जो कम्प्लीट डिटेल है आपको इस ऑप्शन से मिल जाएगी। और लास्ट में जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं,
गवर्नमेंट जो है अक्सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सब्सिडीज़ वगैरह देती है फार्मर्स को, उसकी स्कीम जो ZT बिल के थ्रू अनाउंस होती हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। साथ में यूथ बिजनेस लोन स्कीम जो इस तरह लास्ट टाइम शुरू की गई थी उसके हवाले से कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको यहाँ से मिल सकती है। तो ये तीन चार चीज़ें आपने अबाउट के अंदर ZT बिल में जाएंगे तो ZT बिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ से एक दफ़ा आप इसको रीड करेंगे, साथ में ZT बिल की हिस्ट्री देखेंगे, इन लोन्स की जो उसकी डिटेल है एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट लोन की, रिटेल बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की और गवर्नमेंट स्कीम्स जो दी गई हैं ZT बिल के थ्रू उनकी डिटेल भी वहाँ पर दी गई है। तो एक तो सोर्स ये हो गया कि ZT बिल की ऑफिशियल वेबसाइट, और जो दूसरा सोर्स है वो है वेबसाइट्स, यानी ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हैं वो MCQs के लिए ख़ास तौर पर वो बेस्ट हैं। आप बैंकिंग MCQs आप सर्च करते हैं अगर गूगल पर तो वो बहुत सारी आपके सामने जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स वो ओपन हो जाती हैं। तो किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको बैंकिंग के जो MCQs हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। बैंकिंग MCQs आप सर्च कर लेना, बाज़ औक़ात उसमें आंसर गलत दिए होते हैं और मैक्सिमम जो है वो ठीक ही होते हैं, लेकिन कुछ आंसर गलत भी होते हैं, वो आप ऑथेंटिकेशन उसकी गूगल से चेक कर सकते हैं जिस पर आपको डाउट हो। तो ये कि MCQs की प्रिपरेशन और उनकी प्रैक्टिस के लिए आप बैंकिंग MCQs गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होंगी वहाँ से आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में जो बैंकिंग का पोर्शन है, जॉब रिलेटेड पोर्शन है, ZT बिल के बारे में जो कुछ पूछा जा सकता है उसकी प्रैक्टिस आप ZT बिल की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। तो ये दो सोर्सेज हैं, ये आपने लाजमी रीड करना है इस पोर्शन को तैयार करने के लिए। थैंक यू।